हेलो फ्रेंड्स, पलक दिस साइड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे हम सब MIT के नाम से जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके एडमिशन, कट ऑफ फीस, स्कॉलरशिप, कैंपस, और अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन से। तो जो MIT है, उसका जो एडमिशन टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, MET के नाम से जाना जाता है। और पहले जो बोला जाता था, पहले इसे MUOT के नाम से जाना जाता था। और ये एग्जाम जैसे बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं, ऐसे ही इसमें हम जैसे JEE मेन्स होता है, इसमें JEE मेन्स नहीं चलता, इसका अपना एक एंट्रेंस टेस्ट है। आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 50% एग्रीगेट चाहिए होता है आपका 12th में इस एग्जाम के लिए अपेयर करने के लिए। और जो अगर आप ऑफकोर्स ये बात आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, तो आपका PCM होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो हम बात करेंगे इसकी एडमिशन के बाद। इसके अंदर दो टाइप ऑफ कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप बी में आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, EEE, ECE, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ग्रुप बी में आते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, राइट, इंडस्ट्रियल एंड मीडिया इंजीनियरिंग। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो हमारे ग्रुप ए और ग्रुप बी में आते हैं। और इसके बाद इसकी जो रैंकिंग है NIRF में, इसकी रैंकिंग 2019 में 43 रही है, 2018 में इट गोज अराउंड 39, 2018 में इसकी रैंकिंग कम हो गई थी, मतलब ज़्यादा हो गई थी इन शॉर्ट, एंड 2017 में इसकी रैंकिंग दोबारा 43 थी। तो अभी करेंटली इसकी रैंकिंग 43 चल रही है। हाँ जी, तो अगर हम बात करेंगे इसकी कट ऑफ की, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अगर आप चाहते हैं आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लें, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है, वही मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है हमारा। उसके अलावा IT है, EEE है, ECE है, CCE है, ये बेस्ट कोर्सेज है। टू बी ऑनेस्ट, ये बेस्ट कोर्सेज है टू डू फ्रॉम दिस कॉलेज, रेदर देन दी अदर कोर्सेज इंक्लूडिंग मीडिया एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये सब आपके लिए, मतलब यहाँ से करना विल नॉट बी वर्थफुल अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, तो इसकी कट ऑफ जो जाती है, CSE की कट ऑफ गई है अप टू 1500, 1500 के बीच में आनी चाहिए आपकी रैंक, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ECE की जाती है 4000 तक, IT के लिए जाती है 2500, 2500 तक, ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जाती है 1700 तक। तो फिर आप अगर सोच रहे हैं इस कॉलेज में किसी भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का या फिर किसी भी कोर्स के लिए, तो आपकी रैंकिंग 24000 से कम में आनी चाहिए, 24000 से कम में। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर फीस की। फीस इसकी जो है, प्राइवेट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज की तो फीस आप जानते ही है सबसे ज्यादा होती है। तो इसकी ट्यूशन फीस अराउंड 14 to 15 लाख पड़ जाती है 4 साल की। और जो आपका खर्चा बैठता है खाने का और हॉस्टल का, वो आपका पर ईयर का 1 लाख to 1.25 लाख तक बैठ जाता है। तो इन टोटल आपकी फीस 20 to 21 लाख रुपीज लगने वाली है, अगर आप इस कॉलेज का एम कर रहे हैं तो, मैं पहले बता दूं आपके लिए। हाँ जी, और स्कॉलरशिप की बात करते हैं, स्कॉलरशिप यहाँ पे डिपेंड करती है मेरिट बेसिस पर। मतलब अगर आप टॉप 100 रैंक आई है आपकी इन MET, सो आपको 100% फीस की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपकी 100% फीस माफ हो जाएगी। अगर आपकी रैंकिंग आई है 100 से लेकर 1000 रैंक के बीच, तो आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी स्कॉलरशिप कैसी, आपको कितनी परसेंट मिलेगी। जैसे अगर आपकी 100 to 1000 के बीच में आई है और आपकी जो पेरेंट्स की एनुअल इनकम है वो 3 लाख तक है, तो आपको 100% फीस माफ हो जाएगी, 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपकी फीस है 3 लाख to 5 लाख के बीच में, तो आपको 90% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपकी फीस है 5 to 7.5, आपके पेरेंट्स की इनकम है 5 to 7.5 लाख पर एनम के बीच में, तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ऐसे करते करते यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप के ऑप्शन आपको मिलते हैं, पर ओनली ऑन द कंडीशन की आपकी जो रैंकिंग है वो 1000 से कम हो। अब हम बात करते हैं इसके कैंपस की। इसका कैंपस बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है, 190 acres का एरिया लिया हुआ है इसके कैंपस ने। और यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स होती हैं, दैट इज वेरी वाइड, लाइक 100+ कंपनीज आती हैं आपके लिए यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए। तो हम बात करेंगे जो बड़े बड़े, जैसे नोकिया का जो CEO है और जो हमारा सत्य नडेला जी है, वो सारे के सारे इसी कॉलेज से पास आउट है। तो आप सोच सकते हैं कि जो इतने बड़े बड़े CEOs, इतने बड़े बड़े टेक जाइंट्स इस कॉलेज से पास आउट है, तो आपको किस टाइप की एजुकेशन मिल रही है। सो दैट इज वेरी गुड अबाउट दिस कॉलेज, कि आप भी उनके जैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे वो पढ़ के गए, ठीक है।
हाँ, और ये जो कॉलेज है ये 1957 में बना था, और ये स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा पुश करता है। मतलब अगर आप सोच रहे कि आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इनका खुद का एक इंक्यूबेशन सेल है, बहुत सारे इनके क्लब्स हैं जिसके अंदर आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, खुद के बारे में और इवॉल्व कर सकते हैं, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करा जाता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं ना कि आपने कॉलेज ज्वाइन करा तो आप खाली इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, आपके पास पढ़ने के अलावा कोई काम करने का टाइम ही नहीं है, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं है इस कॉलेज में। आपके पास बहुत टाइम होगा, आप खुद के ऊपर वर्क कर पाएंगे, अपनी ओवरऑल ग्रोथ कर पाएंगे, खाली एक ही चीज पे ध्यान नहीं देंगे, खाली पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप खुद पे भी वर्क कर सकते हैं, तो ये बेस्ट चीज है। और कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट कॉलेज लाइफ है, हॉस्टल बहुत साफ सुथरे होते हैं, सैनिटाइजेशन होता है पूरा, और साथ ही साथ आपको अगर फॉरेन इंटर्नशिप चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि आप आगे फॉरेन में जाके पढ़े, तो ये आपको चांसेस भी देता है फॉरेन इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। और यहाँ का जो एवरेज पैकेज जाता है डिसेंट, वो 5.5 लाख के करीब जाता है, ये एवरेज पैकेज है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। और ये भी उन बच्चों को, मतलब अगर आप सोचे कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, तो वो चीज नहीं होने वाली, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको जॉब मिल पाएगी। और फॉरेन एजुकेशन के लिए ये फेमस है, और बस मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आप एक एवरेज बच्चे के लिए वो जाना चाहता है, वो थोड़ा पढ़ना चाहता है, तो वो इजीली इस कॉलेज में जाकर अपनी कॉलेज लाइफ बना सकता है और एक्सीलेंट कॉलेज लाइफ फेस कर सकता है, और मजा, मतलब उसकी लाइफ में थोड़ा इक्विवेलेंट रहेगा सब कुछ, और वो जॉब के लिए भी आगे सर्च कर सकता है, क्योंकि अच्छी खासी जॉब मिल सकती है आपको इस कॉलेज से। ओके, बाय, थैंक यू।